सरले सेकंड इसी को हम कैसे रीसेट करेंगे, फैक्ट्री सेटिंग में कैसे ले जाएंगे, फर्स्ट हम मशीन को ऑन करेंगे। मशीन हमारी ऑन हो गई है, अब मैं पी और प्रेशर फुट को एक साथ प्रेस करूंगा तो मेरा पी डी 4x0 लिख के आएगा। अगेन मैं पी को प्रेस करूंगा तो मैं पैरामीटर के अंदर एंट्री कर दूंगा। अब इसमें ये अप एरो, डाउन एरो और ये ए बी स्टार्ट बैटरी एंड बैटरी, इस इन्हीं चार बटन के द्वारा मैं 62 नंबर पर पहुँचूँगा। ये क्या है, ये 40, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 0 हो गया, तो ये आपको ये मैं 60 पे गया। अब इससे मैं 1, 2, 3, 4 ये तो बढ़ गया आपका, और ये घटाने के लिए 62 पे गया मैं। 62 पे आने के बाद मैं पी को प्रेस करके रखूँगा, जब तक प्रेस करूँगा तब यहाँ पर डैश डैश बन के ना आ जाए। ये आपका डैश डैश बन के आ गया, अभी रीसेट हो रहा है, ये आपका ये 1x रीसेट हो गया। कम से कम 3 बार ऐसे करना है। अगेन दोनों प्रेस किए, पी प्रेसर फुट फिर टी प्रेस किया, तो ऑलरेडी 62 पे मैं पहले था इसलिए वहाँ पर 62 पे वो सीधे ही आ गया। अगेन मैं पी को प्रेस करूँगा, ये लाइन आ जाएगी, दबा के रखना है, पी को होल्ड करके रखना है थोड़ी देर के लिए। फिर अगेन पी प्रेशर फुट होल्ड करूँगा, अगेन पी प्रेस करूँगा, फिर ये 62 ऑलरेडी था तो आ गया, ये इसको फिर मैं दबा के रखूँगा, ये आपका रीसेट हो गया आपका। ये अभी नहीं, रीसेट एक बार भी कर सकते हो, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो 3 बार करने में आते हैं, कुछ कभी कभार 5 बार भी करना पड़ जाता है, तो रीसेट 1 से लेके 5 तक हम कर सकते हैं, 1, 3 और 5। कभी कभी इसमें रीसेट करने के बाद में अगर 10 आ जाता है, कभी कभी आता है, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है, इसको ऑफ करो अगेन ऑन कर लो तो 10 चला जाएगा आपका।